गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर मैथ्स बुक ऑफ क्लास 3, चैप्टर 4 है आपका जो है सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 38, कॉपी खोलकर आप पर लिख लेंगे जो है चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन, और ये भी लिख लीजिएगा फोर्थ मेथड काउंटिंग अपवर्ड। काउंटिंग अपवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ गिनती करते हुए घटाना है आपको, तो काउंटिंग अपवर्ड आप लिख लेंगे। आपका मेथड कौन सा है, काउंटिंग अपवर्ड, तो आप चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन यहां तक आप लिख लेंगे पहले। अब आगे बढ़ रहे हैं जो है, पहला क्या है 34 माइनस 12, आपको 34 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ये आपका सॉल्यूशन है जो है 12 to 20, ये 12 है, आप 12 से 20 तक पहले आप काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8। आप 13 से काउंट करना शुरू करेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपका आ जाएगा 8, ये 20 to 30 है, आप 21 से गिनती करना शुरू कीजिए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10। इसके बाद आपका आ गया 30 है, 30 to 34 तक काउंट करेंगे, तो 30 to 34 तक काउंट करने पर आपका आ जाएगा 4। इसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 4 12 2 carry 1 1 1 2, कितना आ गया आपका 22 आ गया, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, सो 34 माइनस 12 इज्वल टू 22, आंसर 22। ये आपका जो है फुल सॉल्यूशन रहा जो है, कॉपी पर कर लेंगे अपने। अब आपका नेक्स्ट आपका क्या है, 45 माइनस 15, 45 में से आपको 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक वैसे ही सॉल्यूशन ले लेंगे जो है, यहाँ क्या लिखेंगे 15 टू 20 तक आप काउंट करें, कितना आ जाएगा 5, आपको 16 से शुरू करना है, 16 17 18 19 20, आपका 5 हो गया, फिर 20 टू 30, 10 गैप करेंगे जो है, 20 to 30 का 21 से आप काउंट करना शुरू करेंगे, 30 तक जाएंगे 30, तो आपका हो जाएगा 10। अगेन नीचे क्या लिखेंगे, 30 to 40, आप 31 से काउंट करना शुरू करेंगे, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, आपका हो जाएगा 10। इसके बाद 40 to 45 आप काउंट करेंगे, 41 से काउंट करेंगे, 45 तक जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 5 आपका हो गया। इसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 0 carry 1 1 1 2 और 1 3, क्या हो गया आपका 30 30 हो गया, लिख देंगे सो, इसलिए 45 माइनस 15 इज्वल टू 30 30, आंसर 30। अब आपका नेक्स्ट तीसरा है, 56 माइनस 25, आपको 56 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक लिख देंगे वैसे ही सॉल्यूशन, 25 से आगे की तरफ बढ़िए काउंटिंग अपवर्ड, तो 20 to 30 तक लीजिए, 25 to 30 तक आप लीजिए, सॉरी 25 to 30 तक लेना है जो है, 26 से शुरू करेंगे, 26 27 28 29 30 30, आपका हो गया 5, घटाने पे क्या हो गया आपका 5 हो गया, काउंट करने पर आप 30 to 40 तक आप काउंट करना शुरू करेंगे, 31 से शुरू करेंगे, 40 तक आप जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 10।
और 40 to 50 तक आपको जो है काउंट करना है, तो 41 से शुरू करेंगे। अपवर्ड काउंटिंग कीजिए 50 तक, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 आपका हो गया 10। और 50 to 56 तक आपको काउंट करना है, जो है ये 50 है और 256 तक आपको जाना है, तो कितना हो जाएगा 6। आप 51 से काउंट करना शुरू करेंगे और 56 तक जाएंगे, 51, 52, 53, 54, 55, 56 आपका 6 होगा जो। अब इसको टोटल कर लीजिए, 5, 6, 11, 1 carry 1, 1, 1, 2 और 1, 3 आपका हो गया 31। तो नीचे क्या लिख देंगे, सो 56 minus 25 = 31, आंसर 31। अब आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, चौथा है 47 minus 15। सॉल्यूशन, आप 15 से 20 तक लेंगे जो है, तो 15 से 20 तक काउंट करने के लिए आपको 16 से बढ़ना पड़ेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 5 आपका हो जाएगा। फिर 22, 30, 30 तक काउंट करने के लिए आपको 21 से शुरू करना पड़ेगा, अपवर्ड है जो है, 21 से आप 30 तक काउंट करेंगे आपका हो जाएगा 10। फिर 30, 30 to 40 तक काउंट करने के लिए आपको 31 से शुरू करना पड़ेगा, 31 से काउंट करना शुरू करेंगे, 40 तक अब जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। इसके बाद ये 40 से 47 तक आपको जो है काउंट करना है, तो 41 से शुरू करेंगे, 47 तक जाएंगे आपका 7 हो जाएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 आपका 7 हो जाएगा। टोटल कर दीजिए 7, 5, 12, 2 carry 1, 1 carry हो गया 1, 1, 2 और 1, 3, 32 आपका आया जो है। नीचे क्या लिख देंगे, सो 47 minus 15 = 32, आंसर 32। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आपका जो है 5 है 68 minus 35। सॉल्यूशन है जो है 35 to 40 तक जाएंगे, 36 से काउंट करेंगे 40 तक तो आपका आ जाएगा 5। फिर 40 to 50 तक आप जाएंगे, 40 to 50 तक आपको ले जाना है, 10 का गैप करना है, 41 से शुरू करेंगे और 50 तक आप अपनी उंगली पर काउंट करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 50 to 60 तक बढ़ेंगे जो है, 51 से काउंट करना शुरू करेंगे और 60 तक जाएंगे तो आपका हो जाएगा 10। अब 60 to 68 तक आपको काउंट करना है, तो 61 से शुरू कीजिए और 68 तक जाइए तो आपका हो जाएगा 8। इसके बाद इसका टोटल कीजिए, 8, 5, 13, 3 carry 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 33। नीचे क्या लिख देंगे, सो 68 minus 35 = 33, आंसर 33। नेक्स्ट बढ़िए आप जो है, अब आपका 6 है 76 minus 55। सॉल्यूशन है आपका जो है 55 से शुरू करेंगे, 55 to 60, ये लिख लीजिएगा, 55 to 60 तक काउंट करने के लिए आपको 56 से काउंट करना पड़ेगा, 56, 57, 58, 59 और 60, 60 आपका हो गया 5। अब 60 to 70 लिख लेंगे आप, और 61 से शुरू करेंगे,
61 से 70 तक जाएंगे आपका हो जाएगा 10। आप 72, 76 नीचे लिखेंगे और आप 71 से शुरू करेंगे 76 तक काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 6। ऊपर से काउंट कीजिए 5, 6, 11, 1 carry 1, 1, 1, 2 आपका टोटल हो गया 21 हो गया। नीचे वैसे ही लिखेंगे सो 76 माइनस 55 इज इक्वल टू 21, आंसर 21। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा सुन लीजिए। होमवर्क में आपको आज 5, 6, 6 सब्ट्रैक्शन आपको कराया हूं। आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर ठीक वही सब्ट्रैक्शन लिख करके अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ समझ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है यूज योर टाइम प्रॉपरली, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए जो है, दैट्स ऑल।